एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम आपको हायर क्यों करें? वो काफी था, थोड़ा रह गया भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज आपको इतनी मस्त चीज दिखाने वाला हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा, मेरा तो हो गया। देखो भाई, सुबह का टाइम हो रहा है 5:50 और कितने सारे बच्चे आज स्केटिंग करने आए हैं। मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बचपन से ही अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना, यही होना चाहिए भाई आजकल की जनरेशन में। भाई यार ये सब देख के ना बड़ा मन करता है सीखने का। देखो भाई कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो देखो ऐसे ना एक तरफ से हाईवे पे पूरा गाड़ी लगा के इसको रोक देते हैं और फिर मतलब पूरा रोड है ना उस पर इनके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। पूरा ग्रुप आता है 15-20 गाड़ियों का। पर भाई सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती, आपका मन होना चाहिए और दूसरा जेब में पैसा, ये दो चीज़ हो ना आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। भाई लास्ट ईयर मेरा वर्क फ्रॉम होम था और मतलब जॉब चल रही थी मेरी, वर्क फ्रॉम होम रहता था। तो लास्ट ईयर भाई मैंने वीकेंड्स पे मैं जाता था हॉर्स राइडिंग सीखने और वीक डेज पे मैं जाता था स्विमिंग सीखने, और मेरी जिम है, जिम तो मेरी हमेशा रहती रहती है। तो भाई मैंने भी लास्ट ईयर हॉर्स राइडिंग भी सीखी, स्विमिंग भी सीखी, मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्ट ही हो गया, बट हाँ ठीक ठीक मैंने सीख लिया। उतार लिया ना अब तो भाई, जब से इसका चालान कटा है ये रोड पे भी हेलमेट पहन के चलता है। मतलब मैं जैसे इसको लेने के लिए रुकता हूँ ना तब भी इसने हेलमेट पहन रखा होता है, और जब मैं इसको छोड़ के जाता हूँ ना उस टाइम भी इसने हेलमेट पहन रखा होता है और हेलमेट पहन के चलता जाता रहता है, और गाड़ी में भी हेलमेट पहन के बैठ गया। अभी उतरवाया इसका हेलमेट जस्ट हमने। हमारे परसों वाले ब्लॉग पे 1000 से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। कल मैंने खाना खाया लेकिन तब भी मेरे को वो है ना जैसे भूख लग रही थी, मेरी भूख सेटिस्फाई नहीं हो पाई क्योंकि आजकल मुझे खाने से ज्यादा प्यार की भूख लग रही है। हम आप लोगों के प्यार के भूखे हैं भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हमारे व्लॉग्स को। डेली आपको 9 बजे रात को डेली व्लॉग मिलेगा आपको। ऐसी पता नहीं आज अंकित को क्या हुआ, अंकित ने कुछ मतलब रूल बनाया था कि आज गाड़ी अमन चलाएगा, बट पता नहीं आज कैसे चला रहा है। तो याद क्यों दिला रहा है, पागल वागल है। शाम को रेस्ट करेंगे ना। ठीक है तो सुन, इसने किस लिए कहा था, इसने कहा था कि पढ़ाई नहीं होती तो आज रिवीजन नहीं है तो आज तो तू ही चलाएगा। तूने ये कहा था कि मेरा नुकसान हो जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता भाई अंकित, तो आज पढ़ाई नहीं है तो आज कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे कोई थोड़ी ना, ये थोड़ी ना मतलब तुझे याद नहीं दिलाएगा भाई, मैं इसका दोस्त हूं, मैं उसकी साइड लूंगा। तो ये मत सोचियो, मतलब आज आते वक्त गाड़ी तू चलाएगा। बोतल ले ले, पानी की ना। हाँ बोतल ले ले भाई। आज हमारे 7:45 पे और इंस्टीट्यूट खुला पड़ा है। कल मैंने सर को बोल दिया ना सर यू आर लेट, सर दिल पे ले गए बात को, आज कह रहे हैं 15 मिनट पहले ही आते हैं। तुम दोनों ले लो एक एक, कर दो पैक कर दो। ये तो खाने के लिए है, ये 5 डाल दो भाई। कितने किलोमीटर चल लिए होंगे हम? 2 तो चल लिए होंगे पक्का। 8 किलोमीटर तो मैं सुबह वॉक करके आया था, 2 किलोमीटर इन्होंने अभी करवा दी। तो मैंने बोला सर से कि ऐसे ऐसे गिफ्ट देना है, तो सर कहते कि सबको मतलब बुला लेंगे सबको, अनाउंसमेंट करके फिर दे देना। फिर अंकित कहने लग गया कि यार ऐसे सब बंदे आएंगे उसके हिसाब से तो गिफ्ट छोटा लग रहा है। वैसे हमने 60-60 वाले 5 पहन लिए थे क्योंकि 5 बंदों की टीम थी, लेकिन देखने में पैकेट में छोटा ही लग रहा था। कहता हाँ, फिर कह रहा कि सब सबके सामने देना पड़ेगा, अब तो कुछ और कर लेते हैं। अब 5 चॉकलेट और पैक करवा के रहे हैं। प्रिंस दिख गई हो ये रही भाई, ये रही। हालत खराब होगी, पसीना आ गया गर्मी में पैदल पैदल चल के, क्योंकि हमें पता ही नहीं था मार्केट कहाँ है। ढूंढे जा रहे, पहले दूसरी डायरेक्शन में चले गए, फिर पूछा किसी से, फिर आए ढूंढी। तो जैसा कि हमने प्रेस ऑर्गेनाइज किया था एंड वी प्रॉमिस के जो विनर टीम होगी उसे गिफ्ट देंगे, तो जो भी विनर टीम थी उसके जो 5 मेंबर थे वो आपको गिफ्ट ले गए हैं आपके लिए। भाई आज हम आपको मिलाते हैं प्रियंका से। कल की वीडियो में कह रही थी कि मेरे को तो तुमने कम दिखाया है, तो भाई इंट्रोड्यूस तो करो अपने आप को। हाय, माय नेम इज प्रियंका, आई विल जॉइन दिस गाइस लास्ट 10-15 डेज। हां 10-15 दिन, हां मैनुअल की क्लास में। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम आपको हायर क्यों करें? हां मेन क्वेश्चन तो यही है जो पूछा जाएगा। वो वाली बात तो सबके लिए कही थी ना, कोई नहीं करके लाएगा, सच बता भाई, है ना? हाँ इसके लिए सेपरेटली बोला था। नहीं मेरे नहीं इस बात पे नहीं कहा, ले ले तुम बेफालतू में बोल रहे हो। फोन चलाने के लिए कहा था, उसके लिए नहीं कहा था कि जो नहीं करके लाएगा तो तुम बाहर जाओगे या मैं बाहर जाऊंगा, ये सबको पागल बना रहे। ले ये भी रख ले,
भाई गर्म हो रही है गाड़ी बहुत तेज। चल तू बोले आया बोतल में पानी डाल के ठंडा कर ला ठीक है। हेलो गाइस गाइस आगे भाई जल्दी निकल गए, 2 बजे क्लास हो रही है, 2:05 पे तो गाड़ी में बैठ रही है एकदम फुर्ती के साथ। हैप्पी वीकेंड गाइस, फुल एंजॉय करो, सेक्टर 29 चले जाओ अगर गुड़गांव में रहते हो तो। सर कह रहा हमारा सर कह रहा था कि फर्स्ट फ्राइडे हमारा टेंपल इन सेक्टर 29 लॉट्स ऑफ टेंपल्स। हां कह रहा लॉट्स ऑफ टेंपल्स करना, ये पागल आदमी है उधर से उतरेगा जबकि दुकान पे इधर साइड ही जाना है और उतरेगा उधर रोड की साइड से, पता नहीं क्या सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे कहीं से। चली गई तो गई का छोड़ गए से। भाई हमने गिफ्ट दे दिया, तुमने देख ही लिया होगा। और भाई मुझे तो पता है कि गिफ्ट मतलब कोई बंदा बोल दे ना गिफ्ट तुम्हें मिलेगा और गिफ्ट ना मिले भाई बहुत बुरा लगता है। मेरी पिछली कंपनी में क्या था जिसमें इफेक्चुअल की कह रहा हूँ उसमें सीक्रेट सेंटर हुआ था। अच्छा पता है क्या होता है उसमें एक बाउल में नहीं एक बाउल में पर्ची डाल देते हैं, पर्ची उठाएगा तेरी पर्ची में जिसका नाम आया तो उसे गिफ्ट देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा इसे किसने गिफ्ट दिया। मतलब जिस बंदे के लिए गिफ्ट है उसका नाम लिख देंगे, ये नहीं बताएंगे कि किसने दिया है। मतलब मेरी पर्ची में अंकित का नाम आया, मैंने अंकित को गिफ्ट दे दूंगा उस गिफ्ट पे अंकित लिख के, लेकिन अंकित को ये नहीं पता चलेगा कि मेरी पर्ची किस पे गई थी, है ना। ऐसी मेरी प्रीवियस कंपनी में हुआ तो मेरी प्रीवियस कंपनी में हुआ तो किसी के पास मेरी पर्ची गई होगी, मेरे पास जिसकी पर्ची आई मैंने उसे गिफ्ट दे दिया, लेकिन जिसने मेरी पर्ची से उठाई उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। 4-5 दिन मैंने वेट किया क्रिसमस आने का, आएगा आएगा, क्रिसमस भी चला गया उसके बाद भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने कंपनी चेंज करी, अभी जो रिसेंट कंपनी जो मैंने छोड़ी है उसमें भी ऐसी हुआ सीक्रेट सेंटर, मेरी पर्ची किसी ने उठाई उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। अरे तेरी किस्मत ही खराब है। और जिसकी मतलब जिसका नाम मेरी पर्ची में आया था मैंने उसे दे दिया, मेरी पर्ची में मैनेजर का ही नाम आया था। तो भाई मुझे पता है कि गिफ्ट ना मिलने पे कितना बुरा फील होता है। अगर मतलब सबको मिल रहे तो मैं ना मिले, और हमने अनाउंसमेंट कर दी थी देंगे तो भाई मैंने कहा देना ही पड़ेगा, बहुत बुरा लगता है भाई बोल के ना दो तो भाई हमने तो कर दिया काम। फिर कौन सी लाया, कौन सी है भाई ये कॉपी को भाई, ये तो नकली टॉफी मैं नहीं खा सकता, इसका तो नाम भी नहीं सुना मैंने कभी, एक ले लिया तो कॉपी को भाई एलपल्ली एलपल्ली भी होती है कॉफी की। तो ये क्या है बूमर दे रहे, चल तू भाई मेरे को देख बूमर, तू तो खाता नहीं है, वेस्ट मटेरियल बोल रहा था तब तो क्या है? भाई मैं ये कह रहा था कि आज है फ्राइडे, वीकेंड है आज, और आज लोग ज्यादातर अपने ऑफिस से जल्दी निकल रहे हैं, ओ ठेकों पे भाई भीड़ लगनी चालू हो गई है और शाम को तो बुरा हाल हो जाएगा, सब पियेंगे भाई। कुकिंग और ड्रिंकिंग तो भाई कॉर्पोरेट में आपको हर जगह मिलेगी और इतनी मिलेगी, बस भाई बच के रहना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पुरानी कंपनी की जो इफेक्चुअल थी ना कॉलेज से ज्वाइन करी थी उसमें भाई पार्टी में चले गए, मैं कभी भाई क्लब में नहीं गया, कभी कहीं पार्टी करने नहीं गया भाई, मैं अपने गांव से, गांव में जैसे रहता हूँ वहां से बस आई कॉलेज चले गए, कॉलेज से वहां, उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गया भाई। तो भाई ऑफिस ऑफिस गए वहां पार्टी का सीन बन गया, मतलब ऑफिशियल पार्टी थी, एक कोई मतलब क्लाइंट खुश हो गया तो मालिक ने कह दी पार्टी है सबके लिए चलो, फिर कहने लगे पार्टी है और ऐसे क्लब व्लब बुक कर लिया उसने पूरा कि 1-2 बजे तक चलेगी। मैंने कहा मैं घर पे पूछ के बताता हूँ, फिर कह रहा अगर ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे ऑफिस है, अब तुम बड़े हो चुके हो, कल से मत आना अगर तुम पार्टी में नहीं आए तो। हाँ भाई उनका ये अलग सीन है भाई, फिर वहाँ गए पार्टी वार्टी, भाई पागल हो गए दारू 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 दारू, और फिर भाई जबरदस्ती पिलाई मुझे नशे में, पियो पियो, मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा, ट्रॉपिकाना से ज्यादा ऊपर मैं नहीं गया अब तक। कह रहा हूँ भाई हम तो शरीफ बंदे हैं, क्या ये समाज सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर पाएगी ऐसे लोगों को आज के टाइम पे। प्रिंस अपनी बात बताइए, प्रिंस प्राइवेट कंपनी के भाई बता भाई, हमारा मैनेजर हमारे पीछे पड़ गया भाई, कैसे भाई कह रहा मतलब यार तुम इंसल्ट कर रहे हो बहन, जो सीओ कहेगा यार तुम तो बहन जो हमारा कल्चर कोरियन कल्चर फॉलो नहीं कर रहे यार। ऐसी जगह ढूंढे थे जहाँ हम दुबक सके कि कोई आए ना। अच्छा जी सीन हो गया था भाई, मतलब नागिन डांस तो कुछ नहीं था, कपड़े उतारे। अरे भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं पहले दिन ऑफिस गया ना तो जैसे वैसे हमारे ऑफिस में कैंटीन थी है ना, तो जैसे ही हमारा ब्रेक हुआ तो सारे बंदे ऑफिस से गायब, मुझे लगा भाई कैंटीन में गए होंगे, मैंने देखा भाई हमारी पूरी कैंटीन खाली। फिर पता है तो मुझे लगा कि ऐसे नीचे गए होंगे वॉक वॉक करने, तो मैं भी चला गया भाई पीछे पीछे, मैं मतलब हम 2-3 बंदों ने ज्वाइन किया था हम भी चल दिए पीछे पीछे। फिर वहां पे जाके देखा सारे के सारे बंदे वहां पे सुट्टा मार रहे भाई, मतलब भाई इतना बुरा हाल है, ब्रेक होते ही सीधा सारे के सारे मतलब ये लगा लो 100 में से 90 बंदे सुट्टा पीने गए, इतना बुरा हाल है भाई उनका। सुबह आते ही पियेंगे सबसे पहले, फिर ब्रेक में जाएंगे, फिर भाई छुट्टी में जाएंगे, मतलब भाई उस पे इतना बड़ा बड़ा लिख रखा होता है कि इससे कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, फिर भी भाई है ही नहीं लोगों के शर्म लिहाज नहीं रहा आजकल, पता नहीं। सर को सर कह रहे बहुत अच्छा है, हाँ कन्वेंशन फॉलो करने वो काफी था थोड़ा रह गया नहीं यार कहाँ गई तू बम नहीं रहा भाई मैं पहुंच गया हूँ घर, थोड़ा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, तो भाई ये वाला व्लॉग ना यही एंड करते हैं, आपको 9 बजे तक व्लॉग मिल जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।